छिंदवाड़ा के बैलखेड़ा पैंच नदी से अवैध रेत उत्खनन लगातार जारी है। लगातार सवाल पूछे जाने पर सिर्फ कार्रवाई का आश्वासन दिया जा रहा है। वहीं खनिज निरीक्षक अधिकारी का कहना है कि पंचनामे के लिए कोई मिलता ही नहीं है। 13 अप्रैल को दबंग न्यूज ने प्रमुखता से बैलखेड़ा पैंच नदी से अवैध रेत उत्खनन और भंडारण पर खबर दिखाई थी, जिसमें जिला खनिज अधिकारी शालात वैद ने कहा था, आपके न्यूज चैनल के माध्यम से खबर प्राप्त हुई है, हम निश्चित रूप से निष्पक्ष कार्रवाई करेंगे और आज सप्ताह भर बाद भी कार्रवाई के नाम से खनिज अधिकारी का वही रटा रटाया जवाब आया। जैसे कि आपके द्वारा बताया गया था कि बैलखेड़ा में अवैध रूप से एक का भंडारण करके रखा गया था, इसके संबंध में हमने खनिज निरीक्षक की जांच कराई। निरीक्षक द्वारा जाँच की गई पर उस जगह पे कोई चूँकि पटवारियों की हड़ताल और कोटवार आदि लोग उपस्थित न होने से वर्तमान में केस दर्ज नहीं पाया, चूँकि संबंधित जो ग्रामवासी उनके द्वारा भी मौके पर जो भी गए थे उसके संबंध में कुछ भी बताने से इनकार कर दिया। वर्तमान में इसमें कार्रवाई अभी जारी इसमें देखना जारी है और अपने नियमानुसार जो भी है। आज भी लगभग 1500 से 2000 ट्रॉली का वैध भंडारण दिख रहा है, जिसका मौका मुआयना करने खनिज निरीक्षक पिंकी चौहान गई थी और वापस आ गई। खनिज निरीक्षक का कहना है कि पंचनामा बनाने के लिए उन्हें कोई नहीं मिला, यह बहाना भी समझ से परे है। जहां एक और खनिज निरीक्षक को पंचनामा बनाने वाला नहीं मिल रहा है, तो खनिज अधिकारी पटवारी कोटवार की हड़ताल का बहाना कर टाल रही है। अब ऐसे में खनिज अधिकारियों पर कब कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, दबंग न्यूज, छिंदवाड़ा।